सब बम बनाता है, ये बनाता है। एक बार और भी हुआ था 2 साल कबल, कोई एक्शन नहीं हुआ, हम लोग मर के बचे हैं। हमारे घर के बगल में ही जो सबके मतलब बम बनाता था, उसी में डिस्प्यूट हुआ था पापा से, तो गहरी लगी पढ़ाई में। ग्यारह बज के 25 मिनट में एक एक्सप्लोज हुआ, बहुत जोर का धमाका आवाज़ हुआ, और हम अपने घर में उधर बैठे हुए थे, और मेरा बेटा इस कमरे में था बैठा हुआ, तो वो भी समझ नहीं पाया, इतना जोर चिल्ला के पापा करके वो चिल्लाया, तो हम इधर उसके लिए दौड़े, उस बच्चे को इधर मेरा, तो वो हमको खींच के उधर ले गया। अरे ईटा पत्थर हमारे सामने से आ रहा, हम देख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या, इतना गर्द गुब्बार, इतना गर्द उड़ रहा था कि कुछ नज़र नहीं आ रहा था, और लाइट भी ऑफ हो गया था। तो फिर इन्वर्टर का लाइट जब आया तो कुछ दिखा, इस घर में मेरी फैमिली थे दूसरे रूम में, वो लोग भी एकदम रोने लगी, घबराने लगी, छोटा बच्चा है मेरा नाती अभी मुश्किल से 1 महीने का, उसको देख के वो लोग सब सब उन लोग को समझाए कि बोले कि हम भी सुरक्षित हैं, मुबशिर भी ठीक है, तुम लोग भी ठीक है, तब उन लोग लेकिन घबराहट में इतना कि देखते आप सामान सब आपने मेरे घर का देखिएगा तो आप क्षति देख के खुद समझिएगा। खाना पीना खा के बस सोए रहे थे कि अचानक बहुत तेज आवाज हुआ और सारा घर गिर गया, जो बगल में घर था वो हम लोग के घर के ऊपर गिर गया, मेरे घर के अंदर रूम में पापा सोए हुए थे, पापा खत्म हो गए, और भी दादी थी वो मेरे घर में 30-35 साल से आती थी सोने के लिए, खत्म हो गई, हम बरंडा पे थे, मेरे ऊपर भी बहुत सारा सामान गिरा, लेकिन हम वहाँ से जल्दी से बाहर निकले, तो समझ में नहीं आ रहा था, लाइट नहीं था, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ नहीं हुआ, हम बाहर निकले तो देखे कि सब कुछ गिर चुका है। तो 11:00 में भयानक आवाज़ आई, उसमें हम लोगों को लगा, समाज के सभी लोगों को लगा कि जलजला हुआ। जब मैं फर्स्ट भाग मतलब अपने मोहल्ले के सबसे पहले आदमी हम रोड पर आए तो हम खुद वापस हो गए, ये डेंजर हाल देख रहे, ये लगा कि एक भयानक आतिशबाजी की तरह बमबार्डिंग हुआ, और इसके पहले भी इस समाज के अंदर में 2008 या 7 के लगभग में इसी तरह की एक आतिशबाजी हुई। उस समय कितनी मौत हुई? उसमें लगभग 4-5 लोग मरे थे। आज की क्या हालत? आज की हालत ये है कि सभी लोग मलबे में हैं, एक बच्चे अभी जो कि हॉस्पिटल में रेफर हो गया, मर गए वो, और एक स्पॉट डेड लेडीज हुई, 2 की मृत्यु हो चुकी है, हम लोगों ने मलबा से निकाला है। संभावना कितनी? संभावना लगभग 8-10 की होगी। 5 लोग जो है वो ऑलरेडी डेड थे, वो मतलब अमृत अवस्था में उनको लाया गया था, निकाल दिए, और बाकी 11 मरीज हैं जिनका इलाज चल रहा है अस्पताल में, उस 11 में 2 मरीज सीरियस हैं, सीरियस इन द सेंस कि एक मरीज को जो राहुल जिसका नाम है वो लंग्स में पूरा एक लंग्स जो है कंट्यूजन है, पूरा लंग्स इंजरी है, प्लस वो अनकॉन्शस है। अब अनकॉन्शस में सीटी स्कैन में बहुत क्लियर कुछ ऐसा कुछ आया नहीं है, लेकिन अनकॉन्शस बिना सीटी स्कैन में फाइंडिंग के अगर हो रहा है तो मतलब मामला गंभीर है, तो उसकी चिंता ज़्यादा है वो, और हम लोग ये डिसाइड किए हैं कि उसको यहाँ से रेफर करेंगे हायर सेंटर में। और दूसरा मरीज जो नबीन है, उसकी जांघ की हड्डी टूटी हुई और उसको काफ़ी ब्लड निकला है, तो ब्लड निकला है तो उसको अभी इमीडिएटली जो है वो फ्लूइड पर था, सारा चीज़ चल रहा था, अभी उसको ब्लड जो है मंगवाया जा रहा है, उसको ब्लड चढ़ाया जाएगा, और फाइनली हड्डी के डॉक्टर जो है अपना फाइनल जो सीनियर डॉक्टर हैं वो ओपिनियन देंगे कि क्या करना है। बाकी जो मरीज हैं मतलब 5 और 2 7 7 के अलावा जो 9 मरीज हैं वो सभी स्थिर अवस्था में हैं, हमको लगता है कि उसमें कोई सीरियस नहीं होना चाहिए। सब पटाखा बनाने में ये पूरा परिवार लगा हुआ था, पहले भी इस तरह की घटनाएं कम स्केल पर यहाँ हो चुकी है, ये सब जांच का विषय है और इस पर जो भी आगे कार्रवाई होगी। अभी 9 लोग इंजर्ड हैं और संख्या ये अभी बढ़ भी सकती है, अभी एम्बुलेंस भेजा गया है, डिटेल हम लोग मोबाइल हैं, 9 से 10 लोग जो है उसमें 2 डिसीज्ड भी हैं जिनकी मृत्यु हो गई है, इसमें भी जो है जो मृतक है उनकी भी संख्या जो है वो बढ़ सकती है, हम लोग कन्फर्म कर रहे हैं। सर कितने घरों को नुकसान हुआ है? सर
नुकसान जो है दो घर का हम लोग देख रहे हैं, दो से तीन घर का, तो अभी डिटेल सारा हम लोग इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं, फिर इसके बाद आप लोगों को जिस तरह से आवाज है सर ये विस्फोटक की जो है ये क्या लगता है, जांच का विषय है। अभी जो प्रथम दृष्टया जो पता चल रहा है कि पटाखा जो आसपास के लोग भी बता रहे हैं और पुराना जो इतिहास भी रहा है इस परिवार का और यहाँ पे जो पता चल पा रहा है अभी, वो भी डिटेल जांच के बाद ही हम लोग कुछ बता पाएंगे। लेकिन पटाखा बनाने में इस घर का उपयोग होता रहा है, यहाँ पटाखा बनाने में जो यहाँ परिवार रहते थे वो पटाखा बनाने का काम करते थे, यही अभी हम लोगों को पता चला है। और डिटेल जब इंक्वायरी होगी तो सारी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर। शहर के रात में करतारपुर थाना क्षेत्र में एक घर में विस्फोट की सूचना प्राप्त हुई पुलिस को। यहाँ आने पर पूरे स्थल का मुआयना वरीय पुलिस अधीक्षक जिलाधिकारी भागलपुर सभी लोगों ने किया है और एक घर जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो गया है और अभी हम लोग डिटेल्स इकट्ठा कर रहे हैं कि कितने लोग इस घर में थे और अभी काम चल ही रहा है सफाई का, मलबे की सफाई का काम चल रहा है, तो बहुत स्पष्टता नहीं है कि अब पूरी घटनाक्रम जो है उसके संबंध में विस्तृत आपको कुछ बताया जा सके, बट जैसे ही हमको ये जानकारी और मिलेगी तो आपसे और फिर से शेयर करें। इंजर्ड कितने हुए हैं कुछ पता है? इंजर्ड अभी सदर अस्पताल में 9 लोग हैं जो घायल अवस्था में हैं वहाँ पर, और कुछ एग्जैक्ट फिगर्स जो है ये अभी क्योंकि काम चल रहा है साफ सफाई का भी और लोगों को अस्पताल ले जाने का, बट पूरी तरह से एम्बुलेंस और JCB जो मलबे के अंदर कोई अगर और ना रहे, पहली प्रायोरिटी वो है रिलीफ रेस्क्यू की, और फिर देखा जाएगा विस्तार में कि ये क्या मामला है। सर उसके पीछे वाला जो मकान है वो अभी पता नहीं। चल रहा है और वहाँ पर आपका चौक पर एक JCB है, पकड़ भेजा बेटी को यहाँ था पिलर के नीचे अभी निकाल लिए। अरे और ये तो आ रहा है अंदर, वो वहाँ पर है और इसमें दबा हुआ है, पूरा दबा हुआ है ये था। स्पॉट पर नहीं देखे, जैसे भी तरफ बगल के देखे रहे नगर निगम के पास बंद कर दो लाइट। देखे पीछे।